नमस्कार, मैं शिव नारायण शर्मा, भ्रष्टाचार विरोध जागृति अभियान की तरफ से। अभी हमारे साथ है मिस्टर अभिजीत डगालिया जी, उनके एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है ये, और समाज के लिए काम कर रहे हैं काफ़ी कुछ। तो अभी जस्ट इनके ऊपर वकोला पुलिस थाने में गलत तरीके से कुछ एफआईआर हुई है, तो हम इस मामले में इनसे पूरी जानकारी चाहेंगे कि यहाँ ये है क्या, क्या मामला है, और ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और ये किस तरीके से इस जाल में फंस गए, या जो भी चीज़ हुई है उस मामले में। हाँ, तो अभिजीत जी, आप हमें पहले सबसे पहले अपना पूरा परिचय कराइए कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, और क्या आपका एजुकेशन है, और क्या वर्क आपका। मैं अभिजीत अर्जुन पानाड़े, मैं पेशे से पत्रकार हूँ। मेरा अपना खुद का अखबार है, साप्ताहिक मराठी साप्ताहिक, फर्जंद हिंद साप्ताहिक अखबार है, मराठी फर्जंद हिंद रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RNI नंबर वगैरह बाकायदा आया हुआ है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, आदि एक्टिविस्ट हूँ। समाज में जहाँ जहाँ पे जो जो भी चीज़ें होती है हम प्रशासन से सवाल करते हैं, ये हमारा काम है, और जो भी अड़चने होती है ये हम प्रशासन के सामने रखने का काम हम करते रहते हैं। ये मैं कई सालों से करते आया हूँ, आज भी करता हूँ। अभी जैसे आप प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हैं आप? मैं प्रेजेंट में जो घर है, मतलब रहने का, मैं पहले सांताक्रूज ईस्ट में रहता था। सांताक्रूज ईस्ट में दो महीने जी दो महीने पहले मेरे माँ बाप जो काफ़ी 80+ है उम्र, उनकी ज़्यादा हो गई है, तो उनकी सेवा करने के लिए यहाँ से मैं वहाँ चला गया। कहाँ? भाईंदर वेस्ट। भाईंदर मतलब आप यहाँ पर सांताक्रूज ईस्ट में रहते थे जी, है ना? सांताक्रूज ईस्ट में कौन से एरिया में? हनुमान टेकड़ी। हनुमान बिल्कुल वकोला जंक्शन के पास, सांताक्रूज में हनुमान टेकड़ी के पास आप रह रहे थे। तो ये अभी तक रह रहे थे आप जी? तो अभी दो महीने पहले ही आप यहाँ से शिफ्ट हुए भाईंदर। भाईंदर कहाँ आपने? मम्मी पापा? मम्मी पापा यहाँ पे, हमारे मम्मी पापा एज ओल्ड है, 80+ है, तो वो बीमार रहते हैं। तो सोचा कि उनके पास में रहूँगा तो उनकी देखभाल कर पाऊँगा, सेवा कर पाऊँगा, उसके नाते मैं वहाँ चला गया था। मतलब सिर्फ दो महीने पहले? दो महीने पहले। मतलब उससे पहले आप यहीं में ही रह रहे थे। आपका एजुकेशन आपके लिए जो है ये हनुमान टेकड़ी या कहाँ पर हुआ है? बांद्रा ईस्ट में हम लोग का स्कूलिंग हुआ है, गवर्नमेंट कॉलोनी में, गवर्नमेंट बांद्रा ईस्ट में। तो बस कॉलेज हो गया है बांद्रा वेस्ट में, रिजवी कॉलेज में। रिजवी कॉलेज में हुआ है। उसके बाद में फिर हमारे घर की हालत थोड़ी खस्ता थी, तो आगे मैं एजुकेशन नहीं कर पाया। मतलब कहाँ तक पढ़ेगी आपने? HSC तक मैंने अपीयर किया, उसके बाद में नहीं कर पाया मैं। तो उसके बाद में फिर मैं छोटे मोटे ट्यूशन वगैरह लेके काम करता था मैं। अच्छा, मतलब छोटे मोटे प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट ट्यूशन या इस टाइप से आप अपने आपको मतलब स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। आपके माँ बाप क्या करते थे? मेरे पिताजी जो रिटायर्ड ऑफिसर है, रिटायर्ड ऑफिसर बॉम्बे कोर्टर से, तो मतलब इस तरीके से आपके पिताजी, मतलब आपके साथ आपका बचपन, मतलब पढ़ाई गई, लेकिन कुछ आर्थिक परेशानी हुई, उसकी वजह से आपने कहते एजुकेशन बीच में छोड़ दिया। उसके एजुकेशन छोड़ने के बाद आप प्राइवेट में, मतलब कुछ ऐसे छोले भटूरे या इस टाइप के कुछ वर्क या क्या? ट्यूशन लेता था मैं, ट्यूशन लेता, आज भी मैं ट्यूशन लेता हूँ। ट्यूशन मतलब 20-25 साल से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। पढ़ा रहे बच्चों? ट्यूशन लेता हूँ। क्या पढ़ा, मतलब आपके 8वीं 9वीं 10वीं की कक्षा के इंग्लिश मीडियम के जो कक्षा के जो बच्चे हैं उनको मैं घर जाकर पढ़ाता हूँ। अच्छा, आपने पूरी जो पढ़ाई की इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में, तो आप बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में और इस टाइप के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये सब काम आपका कब तक चलता रहा, मतलब जब ये एजुकेशन के बाद से ही? बिल्कुल बिल्कुल इमीडिएटली, जैसे क्योंकि हमारी हालत इतनी ठीक नहीं थी घर के हालात, तो उनको सपोर्ट करने के लिए मैं कुछ ना कुछ ट्यूशन के बहाने से कुछ ना कुछ काम करता था, इनकम सोर्स बना लेता था, और मेरा अपना खुद का गुजर बसर कर लेता था। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई नेवर प्रेशराइज, आई नेवर बिकम अ बर्डन ऑन माय पेरेंट्स। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बोझ उन पे पड़े, मैं खुद करता था। फिर धीरे 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 पत्रकार, अच्छे पत्रकारों के संगत में आ गया, उनसे कुछ सीखने को मिला, तो उनके लिए कुछ काम किया। उसके बाद में ऐसा बन, एक मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी कुछ कर सकता हूँ, इसीलिए फिर मैंने अपना जो खुद का जो है अखबार जी फर्जंद हिंद जो है, जो सन 2019 को जो है वो मैंने रजिस्टर करा। 2019 में, अभी 2019 से पहले आप पत्रकारिता किसी के लिए करते थे? हाँ, दूसरों के लिए कर रहे करता थे। था कौन कौन से ऐसे? फ्रीलांसिंग था, मैं गौ भारत भारती और बहुत सारे ऐसे थे जिनके लिए मैंने फ्रीलांसिंग किया। वहाँ पर आपका जो रहा है, अपने
जो भी उनके साथ व्यवहार रहा, जितनी अपना जिसके लिए भी काम किया, उन लोगों का आपका व्यवहार में कभी कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, वो लोग अगर हम जैसे उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें कि भाई क्या है, ये आपके साथ जुड़े थे, इन्होंने जो भी काम किए, तो कभी किसी आपको शिकायत हुई या नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। इसकी वजह ये है कि मैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता था, आई नेवर चार्ज। ये एक मेरा पैशन था कि मैं कुछ करूँ, कि आए दिन देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को उजागर नहीं किया जाता है। तो मुझे जब ऐसे मालूम हुआ, महसूस हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं खुद सीख के मुझसे जितना हो सका उतना मैं करूँ। मतलब समाज में जो भी चीज़ें हैं, जो उसको कई अखबार या पेपर लोग या पत्रकार लोग ये लोग उठाते नहीं उठाते, चाहे वो बड़े बड़े टाइम्स हो, मिड डे हो या कोई भी हो, वो मतलब सच्चाई को नहीं उठाते हैं। क्योंकि जो मैसेज जा रहा है, वो मैसेज ये जाता है कि हम न्यूज़ को ना दिखाएं तो पैसा मिलता है। बिल्कुल, न्यूज़ ना दिखाने पर पैसा मिलता है। ये चीज़ें हमारे पूरे देश में ये चल रही है। तो आपने वो सब चीज़ देखा, आपने जो भी जुड़े, उसके बाद आपने सोचा कि भाई ये यहाँ पर तो हमें कुछ यानी सही ढंग से हम अपनी चीज़ को नहीं रख पा रहे हैं, नहीं रख पा। तो इसके लिए हम खुद का एक अपना अखबार चालू किया। बिल्कुल। तो वो अखबार आपने एक अपना फर्जी चालू किया, आपने रजिस्टर कराया, लेकिन अब ऐसा हुआ कि कोरोना के कार्यकाल में किसी का कुछ चला नहीं। बराबर। तो शुरुआती दौर में ये चला, उसके बाद वो तो सब बंद हो गया, आप जानते हैं। मतलब ये अभी जो दो साल में, जो 19 में आपने कब कराया था? मई के 19 में मैंने रजिस्टर कराया था, तो वो शुरुआत थी। शुरुआत थी, उसके बाद में तो कोरोना का कार्यकाल लग गया, तब तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हमारे एडिशन आए, उसके बाद में कोरोना काल में नहीं आता। तो इस तरीके से आप इसमें जुड़े रहे पत्रकार। बिल्कुल, पत्रकारिता में। अच्छा, पत्रकारिता में जुड़ने के बाद फिर आप जब ये जो अभी जो भी मामला हुआ, ये सोशल एक्टिविस्ट में यानी एक पत्रकार हो गया। पत्रकार का काम है जैसे हम न्यूज़ लेकर के लोगों के सामने रखना, और सोशल एक्टिविस्ट का काम है जो गलत हो रहा है उसको सामने लाना। बिल्कुल, बिल्कुल, हमें समाज में बिल्कुल गलत इतना कुछ हो रहा है। जैसे हमारे देश के 99% नगर सेवक या पार्षद या ये लोग जो हैं, ये लोग पूरी तरीके से देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल। उन लोगों के अगर घर में, अगर चौराहे पर जाके देखेंगे, तो हर जगह उनके कब्जे, इंक्रोचमेंट है, सब कुछ है। ये पूरे देश में चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। बिल्कुल, हमने देखा, उन चीज़ों को सारा फॉलो किया मैंने। मैंने बीएमसी के ऑफिसर से चर्चा की, मैंने प्रॉपर नगर सेवकों से चर्चा की, कंप्लेन की। कंप्लेन नहीं होने के बाद हमने आरटीआई अपील डाली, उसका जवाब नहीं दिए। दे आर ट्राइंग टू सप्रेस द वॉइस ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट की आवाज़ बंद कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। आरटीआई एक्ट का हर चीज़ में उल्लंघन कर रहे हैं, दे सप्रेसिंग ईच एंड एवरीथिंग। अब उसके बावजूद अगर नहीं होता रहेगा तो क्या करेगा कोई? तो ये जो चीज़ जब शुरू की, मतलब ये जो ट्विटर्स या जो फिर सोशल एक्टिविस्ट में ये जो भी आपने कंप्लेंट वगैरह कर, ये कब से कंप्लेंट वगैरह करना आपने कब से शुरू किया? कंप्लेंट इन द सेंस कंप्लेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम मांग करते हैं कि यहाँ पे ये ऐसी चीज़ है, आप उसको दुरुस्त कीजिए। मतलब दुरुस्त कीजिए, ये मांग कर रहे हैं। इस मांग को आप किस, कौन सा प्लेटफॉर्म या किस के माध्यम से आप मांग रहे हैं? सोशल मीडिया का माध्यम आज आप हम सब जानते हैं। हाँ। कि सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफिस जुड़े हुए हैं। जब हम लेटर लिखते थे उसका कोई जवाब नहीं आता था, जब हम आरटीआई अपील डालते थे उसका कोई जवाब नहीं आता था, तो थक के, लिटरली आप थक के गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल हैंडल्स हैं ट्विटर पे, उनको टैग कर करके हम उनके सामने रखते थे कि ये देखिए ये सामने है, इसको आप कृपया करके सॉल्व कीजिए। कि हमने ऐसा लगा था कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये चलता है ट्विटर का हैंडल, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, लोग इसको ज़्यादा ये करेंगे, तो करके हमने ट्विटर का जो है माध्यम, जो है प्लेटफॉर्म है, वो यूज़ करके जो है ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट के सामने रखने की कोशिश की। मतलब ये हुआ कि आप शुरुआत में जो भी कंप्लेंट, यानी सभी लोग कंप्लेंट करते हैं, हमारे संगठन के हिसाब से भी कंप्लेंट जाती है, सभी जगह से जाती है कंप्लेंट, शिकायतें होती है, फिर उसके ऊपर वहाँ पर सब लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, वो लोग अपने शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करते, तो फिर हमें आरटीआई के माध्यम से उसकी जानकारी लेनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो वो सब चीज़ें करी लेकिन उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आपको कुछ एक ऐसा नज़र आया कि हम अगर क्या बोलते हैं, हम ट्विटर्स के द्वारा ही कम से कम इनको टैग करें, लोगों के सामने अपनी बात को रखें, तो हो सकता है कुछ रिजल्ट आए। तो ये जो ट्विटर्स के जो भी काम आपने शुरू किए जिस प्रकार के, तो ये चीज़ आपने कब से स्टार्ट की? पहला कब से आपका ट्विटर अकाउंट कब आपने खोला? एक्टिव तो मैं सर 2014 से ही था। हाँ, 2014 से थोड़ा बहुत सीखते, जैसे एक्सपीरियंस गेन करते गए कि उसको कैसे हैंडल करना है, वो करते करते हमको आज तक हम काफ़ी अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, कर रहा हूँ, हो रहा है, इफेक्ट कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है। अब ऐसा है सर कि ऊपर से लेके नीचे तक सब मिले हुए, इट इज़ द नेक्सस,
बिटवीन द माफिया एंड द पुलिस एंड द ऑफिसर्स. मोटिवेट को टैग करने के बावजूद, शेयर करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती. अगर जैसे आपने किसी मामले में किसी चीज़ को उठाया, कोई इन्फ्रेशमेंट हुआ कहीं पर, कुछ भी गड़बड़ हुआ, उस चीज़ को उठाया, तो वो अगर नहीं हो रहा है या हो रहा है तो आपको क्या क्या कभी कुछ रिजल्ट मिले, या कभी किसी ने धमकी दी, कभी क्या हुआ, ये सारी चीज़ें कुछ, क्योंकि धमकियाँ भी देख दी जाती है. तो पहली बात तो ये है कि अगर इंक्रोचमेंट का हो, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का विषय हो, इल्लीगल गैम्बलिंग मटका सट्टा जो चलता है उसका विषय हो, अगर आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में अगर आप लेके आते हैं चीज़ को, तो सबसे पहला वो कार्रवाई तो नहीं करते. बिल्कुल. सबसे पहले जो भी जिसके खिलाफ कंप्लेंट जाती है वो हमको फ़ोन करता है. वो उसकी तरफ से फ़ोन आता फोन है. आता मतलब, है मतलब फ़ोन ऐसे आपने कंप्लेंट करी है सामने वाले. हाँ, मैं कंप्लेंट की है. लेकिन लेकिन आपका नंबर तो दिया नहीं आपने किसी को. किसी को नंबर नहीं दिया. और कंप्लेंट अगर जो भी टैग हुआ है, जो भी हुआ, तो वो ऑफिसर को ध्यान देना चाहिए. ऑफिसर यानी ऑफिसर ध्यान नहीं दे रहा. ऑफिसर ने आपसे कांटेक्ट करना चाहिए. सर मैं तो कहूँगा आपको बोलना चाहिए. सर मैं तो कहूँगा कि ऑफिसर्स जो है यही हमारा नंबर जो देते हैं, कंप्लेनेंट का नाम और नंबर देते हैं. नहीं तो वही चीज़ बोल रहे हैं ना. मतलब आपने किसी ऑफिसर को एक किसी मामले में शिकायत करी, टैग ट्विटर के माध्यम से या जो भी सोशल माध्यम से, उस पर कार्रवाई सामने वाले ऑफिसर एक तो कार्रवाई करना चाहिए, वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. आपसे कुछ पूछताछ करनी चाहिए, उसने आपसे तो फोन करके बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टे वो व्यक्ति बात कर रहा है जिसके खिलाफ कंप्लेंट दी गई है. तो ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का सीधे सीधे नज़र आता है इस चीज़ में. अभी हम ये देख इधर आते हैं, आप ये वकोला एरिया, ये शांतिपुर एरिया, इस एरिया में आप देख रहे हैं पूरा काफ़ी मामला शायद आपने इधर का ही उठाया क्योंकि आप यहाँ रहते हो, है ना. आप भाईंदर में तो अभी भी गए, अभी 2 महीने पहले गए, लेकिन यहाँ का जो मामला उठाया, तो इसमें जो मामले यहाँ उठा रहे हो वो किस एरिया के पर्टिकुलर, एक ही जगह का मामले उठा रहे हैं, कितने लोगों के मामले उठाए या किस तरीके, और उसमें आपको क्या क्या रिजल्ट मिले? तो नॉर्मली ऐसा है कि जहाँ पे मैं रहता था, प्रभाग क्रमांक 87, वार्ड नंबर 87, वार्ड नंबर 87 में आप रहते थे, है ना, जिसके नगर से अभी भी आपका घर है? नहीं, वहाँ पे मैं ऑन रेंट रहता था, मेरा घर नहीं था. तो आपके पिताजी में आप लोग जब बचपन में? तो मैं यहाँ पे रहता था, मेरे पिताजी तो भाईंदर में रहते हैं. तो वैसा है, वहाँ की जो लोकल जो समस्या है वो ज़्यादा था. लोकल समस्या है तो मान लीजिए अगर एक वीएन देसाई का जो मुद्दा था, वीएन देसाई हॉस्पिटल है, वहाँ पर जनरल हॉस्पिटल है, म्यूनसिपैलिटी का हॉस्पिटल है, तो वो रोड से लेके नेहरू रोड तक वहाँ पे इंक्रोचमेंट होता है, वहाँ पे इलीगल पार्किंग होती है, हॉकर्स लगे रहते हैं. तो मैंने म्यूनसिपैलिटी से और वकोला पुलिस स्टेशन प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी, वकोला डिवीजन ट्रैफिक से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये सारी गाड़ी हटाइए, यहाँ पर इलीगल जो इंक्रोचमेंट है पार्किंग उसको हटाइए, क्योंकि वहाँ से एम्बुलेंस और पुलिस के गाड़ियों की जो मूवमेंट होती है उसमें ये हर्डल्स क्रिएट करते हैं. तो ये जो चीज़ आपने जो मामला उठाया था, ये मौजवानी बोला था, ट्विटर के जरिए बोला था या लेटर के जरिए बोला था? ट्विटर भी दिया और था मैंने, न्यूज़पेपर में भी कुछ डाला? नहीं, मैंने ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च किया था, ऑफिशियल 1916 पे कंप्लेंट किया था. हाँ, मैंने वहाँ के जो रिलेटेड ऑफिसर्स उनको जाके मिल के बताया था, उनके साथ में जो फोटोज है, पिक्स है, वो साझा किया था ट्विटर हैंडल पे, शेयर किया था हर चीज़, वीडियो से लेके हाँ सारे पिक्स मैंने वहाँ पे ट्विटर हैंडल पे शेयर किए थे कि किस प्रकार से वो अड़चन पैदा कर रहे हैं, किसको आप हटाइए, वहाँ की जो मूवमेंट है, व्हीकल मूवमेंट है, उसको ये इफेक्ट कर रहा है सारा. तो इसमें पार्टिकुलर चलते जो भी व्यक्ति, उनसे डायरेक्टली आपने किसी से कांटेक्ट करा? बिल्कुल नहीं. जो वहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं या जो क्या बोलते हैं वहाँ पर पार्किंग तो हो रही होगी, पार्किंग तो बाहर के लोग आकर के लगाते होंगे अपने, तो वो जो पार्किंग लगाते हैं वो उन पार्किंग वालों से, मतलब वो बाहर के आ रहे हैं, उन पार्किंग वालों से कोई हफ्ता वगैरह लेता था या कुछ ऐसा? वहाँ लेते हैं लोग. एक ऑटो रिक्शा का 300 रुपये हफ्ता है. 300 रुपये हफ्ता है, मतलब ऑटो रिक्शा का कैसा? मतलब पार्किंग करने का, पार्किंग करने का, महीने का मतलब 300 रुपये लेते हैं. 500 रिक्शा लगती है. तो ये हफ्ता कौन लेता है? वहाँ के लोग लेते हैं, स्थानीय लोग लेते हैं, वहाँ के जो गुंडे लोग हैं. तो रोड पे इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ है, 300 रुपये पथारी का हफ्ता भाड़ा लेते हैं महीने का, जो रोड है, रोड पे. तो ये कौन? वहाँ के गुंडे लोग लेते हैं. एंटी सोशल एलिमेंट्स. अच्छा, वहाँ पे जनरल हॉस्पिटल है सर. नियम कहता है कि जनरल हॉस्पिटल मतलब जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ के आसपास में कहीं पार्किंग नहीं होना चाहिए, इलीगल हॉकर्स नहीं होने चाहिए, इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए. आप देखिए कभी जाके वहाँ पे स्क्वाटर्स है, हॉस्पिटल के बॉर्डर को लग के जो बाउंड्री वॉल है उसको लग के स्क्वाटर्स है. वहाँ पे इलीगल यहाँ ड्रग्स बेचा जाता है, वहाँ पे गुटखे की दुकान है, वहाँ पे मतलब ये सारा इलीगल चल रहा है जिसकी आपने कंप्लेंट करी. बिल्कुल, कंप्लेंट की. और ये कंप्लेंट की वीडियो वगैरह भी या फोटो वोटो ये कुछ डाले? मैंने शेयर किया है ट्विटर हैंडल पे. तो ये सब आपके उसमें
है वो सब आप हमें देंगे तो हम उसको भी इसमें साथ में रखेंगे। अच्छा, अब जो ये मामले में आते हैं, आपके ऊपर एक ये मामला लगा 384 लगाया गया है और 506 मतलब आप किसी से पैसा मांग रहे हो, किसी से हफ्ता मांग रहे हो, ये चीज़ आपके ऊपर लगाई गई है। अब ये जो चीज़ है ये अभी आपको जस्ट कौन सी तारीख को आपका मैटर हुआ है? 17 तारीख को आपके ऊपर ये मैटर लगा है। तो इससे पहले ये लोग कह रहे हैं, मतलब ये 17 तारीख को एफ आई आर हुई है आपकी, ऐसा मुझे अभी मालूम हो रहा है। हाँ, एफ आई आर हुई है 17 तारीख के दिन, उससे पहले कोई एफ आई आर नहीं हुई है। आपकी ये एफ आई आर की कॉपी अभी मिली है कि नहीं मिली? मुझे तो नहीं मिली है। आपको नहीं मिली है? एफ आई आर की कॉपी नहीं मिली है। अच्छा, अब 17 तारीख से पहले, मतलब एक चीज़ इनके सामने आई है, एक पेपर आया है जो आपके पास भी है वो पेपर, ये पेपर पुलिस दे रही है एक मजिस्ट्रेट के नाम का, एक मजिस्ट्रेट के नाम का पेपर वो एक्टिविस्ट लोगों को दिया गया है मजिस्ट्रेट के नाम का। ये मजिस्ट्रेट के नाम का पेपर का मतलब क्या है? अगर किसी को कोई नोटिस दिया जाता है, जैसे अभी किसी के ऊपर एफ आई आर होती है, देखिए ये है मजिस्ट्रेट के नाम का पेपर, ये देखिए इसमें ये मजिस्ट्रेट का नाम लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट मतलब उनके नाम से। ये जो पेपर है एप्लीकेशन हम किसी को देते हैं तो एप्लीकेशन या कुछ भी नोटिस या किसी भी प्रकार का वो उनको उनके नाम का रहता है, उनको दिया जाता है, ये आम पब्लिक को नहीं दिया जाता है। और इस पर इसमें कहीं भी समय नहीं डाला है, इसके अंदर समय भी नहीं डाला है, और इन्होंने डायरी नंबर डाला है, डायरी नंबर भी नहीं डाला है, ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक चीज़ इन्होंने लिखी है कि आपको इन्होंने फ़ोन किया था, फ़ोन के जरिए आपको बताया था कि आपके खिलाफ क्या बोलते कुछ मामला है और उसमें आपको हाजिर होना थाने में। तो मुझे ये बताइए, ये तारीख है 17 तारीख की, 17 तारीख का महीना बताएंगे, 17 जनवरी 2022 का ये लेटर है। अभी मुझे ये बताइए, ये इसमें जैसे लिखा है कि आपको फ़ोन पर जानकारी दी गई थी कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है मगर आप नहीं आए, तो ये जो फ़ोन या जो भी जानकारी या जो भी कुछ आपको थाने से या कहीं से आया है वो कब आया, कैसे आया, कहाँ है, वो सारी जानकारी? असल में हुआ यू कि इस विषय में जब हमने कंप्लेंट शेयर की थी तो सितंबर के महीने में 2021 में एक दिन मुझे दोपहर में फ़ोन आता है, तो सामने की जो व्यक्ति वो कहते कि मैं पांडे साहब बोल रहा हूँ, पांडे साहब वकाला पुलिस स्टेशन से, तुम्हारे खिलाफ़ बहुत कंप्लेंट आ रही है, आके मिलो। तो आई वॉज वेरी स्केर्ड, मतलब पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया है, मैं एक आम आदमी हूँ, क्या ऐसा मैंने किया है कि कंप्लेंट आई है, आके मिलो। तो बोला सर आता हूँ, मैं काम पे हूँ, ड्यूटी पे हूँ, आता हूँ। फिर शाम को 6 बजे फ़ोन करते, अरे तू आया नहीं, तो मैं डर गया तब तक, मैं ऐसी बात कर रहा है तो फिर कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि सर मैं आऊँगा लेकिन अपने लॉयर के साथ आऊँगा, अकेले नहीं आऊँगा। देखिए लॉयर के साथ आपकी ये बात करने की क्या ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले तो ये चीज़ कि आपको बुलाया, आपके खिलाफ कंप्लेंट है, तो कंप्लेंट किस टाइप की है ये कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। आपको एक कानून है जो भी हमें सबको समझना चाहिए, आम जनता को सबको, कि पुलिस आपको कभी भी ऐसे कभी भी नहीं बुला सकती। अगर पुलिस बुलाती है तो वो उसने धमकी दी है, धमकी की एफ आई आर उनके खिलाफ दर्ज की जा सकती है अगर बिना किसी कारण के पुलिस बुला रही है। कारण क्या? कारण पूरा दस्तावेजी होना चाहिए, उसके पेपर्स होने चाहिए। अगर आपके खिलाफ एफ आई आर हुई है तब आप 141 का नोटिस दे करके किसी को बुला सकते हो, या कोई सा मामला जिसमें 10 साल से ऊपर की सज़ा है, 7 साल या 10 साल से ऊपर की सज़ा है, उस मामले में आप बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के भी आप एक बार उठा सकते हो। उसमें भी ज़रूरी हो जाता है, बड़े यानी गरीब व्यक्ति को तो ऐसे उठा लिया जाता है, लेकिन जो अगर अंबानी अदानी जैसे, सलमान खान जैसे या इन जैसे लोग होंगे, उनको बड़ा बाकायदा नोटिस दे करके बुलाया जाता है, उनको उस मामले में कोई भी यानी पूरी तरीके से ऐसे फॉलो किया जाता है जैसे उनसे बेहतर और कोई संविधान की रक्षा नहीं करता, यानी न्याय के तरफ है ये लोग पुलिस वाले, इस तरीके से काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बिना किसी नोटिस के, वो भी इस तारीख से, 17 तारीख, मैंने कोई एफ आई आर नहीं हुई है, 17 तारीख से पहले कोई एफ आई आर आपके पास खिलाफ है नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, कोई एनसी है आपके खिलाफ? जब कोई एनसी नहीं, कोई एफ आई आर नहीं है, उसके बावजूद 17 तारीख से पहले इनको फ़ोन करके बुलाने की कोशिश की जाती है,
आपके और इसके सितंबर के बाद कोई फोन आया आपके पास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई फोन नहीं आया। इसका मतलब ये देखिए, ये जो पेपर पे लिखा है, इनका जो भी है, इनकी कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन, वो सारी चीज़ें दिखेगी, वो बताएगी कि इनको फ़ोन किया गया या नहीं किया गया। अगर फ़ोन किया भी है तो फ़ोन भी गलत है। फ़ोन ना करके इनको अपने बुलाना चाहिए, इनको नोटिस देना चाहिए कि भाई आपके खिलाफ़ ये ऐसा ही कंप्लेंट है, आपके खिलाफ़ FIR दर्ज की गई है, तो आप यहाँ आइए, हमें पूरी जानकारी दीजिए, जो कुछ भी इसमें नहीं दिया गया है। अब इसमें और चीज़ लिखी है इसके अंदर कि आप कई लोगों से, मतलब आपके साथी लोग भी हैं और वो लोग भी, मतलब कुछ है उनसे आपसे पूछताछ करनी है। तो आप जो ये वर्क, यानी जो भी ट्विटर या लोगों के लिए जो भी कर रहे थे और जो पत्रकारिता में कर रहे थे, तो पत्रकारिता में भी आपने पोस्ट जो बनाई है वो ट्विटर पे बनाई है ना? आपने सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया में कोई ब्लॉग है आपका इसमें? तो ब्लॉग नहीं है, लेकिन मैं ट्विटर के माध्यम से अपने जितने लोग हैं उसे सबके साथ में संपर्क बनाए रहता हूँ। मतलब ट्विटर के माध्यम से आपने संपर्क लोगों के बीच में रखा। अब ये जो इन्होंने बोला आपके कुछ साथी या कुछ है, तो आप जो भी है, मतलब एक्टिविस्ट लोग थे है आपके साथ या कौन से, क्या आप अकेले ही मतलब ये चीज़ें ये कर रहे थे आप सब? आई एम वेरी प्राउड टू नाउ, वेरी प्राउड टू नाउ कि हमारा जो पिटीशन ग्रुप है, जिसके जो जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं, वोरा सर है, सुनाव सर है, नासिर जागीरदार सर है, पिटो जी है, नसीर जी है, सुनिका मैम है, जितने भी हैं, इन सबका मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। सपोर्ट इन द सेंस कि आप जो कर रहे हो क्या सही है क्या गलत है, दे डू द करेक्शंस, कि कहीं आप एक्टिविस्ट हो इसका मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने हमेशा हमको सिखाया कि यू हैव टू टच द ग्राउंड, ग्राउंड पे रहो, जमीन पे रहो। बिल्कुल, एक्टिविज्म का मतलब है लोगों की सेवा करना है, अपने आप को समर्पित करना है देश सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए। इन्होंने हमेशा हमको सपोर्ट किया, इस मॉरल सपोर्ट रहा है हमारा। आई एम वेरी प्राउड टू से पेटिशन ग्रुप इज गिव अ वेरी गुड सपोर्ट टू मी। मेरे फैमिली से भी बढ़कर सपोर्ट किया, दे आर जस्ट लाइक माई फैमिली, मेरे माँ बाप जैसे ही है। नहीं, ये जो चीज़ है, देखिए मैं ये भी बता दूँ, हम लोगों का पेटिशन ग्रुप है। पेटिशन मतलब जो हो गए, किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन हम किसी को देते हैं, किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन, किसी डिपार्टमेंट में कहीं भी या किसी भी मामले में हमें कुछ चाहिए, मतलब कोई किसी को आवेदन करना है, किसी प्रकार की कोई सुविधा लेनी है या कहीं कुछ गलत हो रहा है उस चीज़ की, तो वो चीज़ के ड्राफ्टिंग, मतलब पिटीशन मतलब एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, ड्राफ्ट तैयार करके वो दिया जाता है, तो उस प्रकार का काम हमारा ग्रुप करता है। तो हमारे ग्रुप में ऐसे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी वकील वगैरह जुड़े हैं, जो इसमें सबको कानूनी जानकारी देते हैं। इसकी हम लोगों की मीटिंगें होती है, वो मीटिंगों में बताया जाता है कि आप किस प्रकार से RTI लगा सकते हैं, किस प्रकार से समाज में जो गंदगी फैली है उस गंदगी को ठीक कर सकते हैं, एक सरकार की, पुलिस की किस क्या जिम्मेदारी है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सारी जानकारी हम लोगों को मिलती है। और उसी के एक सदस्य मिस्टर अभिजीत जी, जिनके साथ इस प्रकार से, मतलब इनको सितंबर के महीने में सितंबर 2021 में फ़ोन करके पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में यानी बिना किसी नोटिस के, जबकि नोटिस होता है, अगर नोटिस तभी निकलता है जब आपके खिलाफ़ FIR दर्ज की गई हो। FIR जब तक दर्ज नहीं की जाएगी किसी को बुलाया नहीं जा सकता। NCB अगर किसी के खिलाफ़ दर्ज की जाती है तो किसी को बुलाने का हक नहीं है पुलिस को। पुलिस तभी बुला सकती है अपने गुडविल में बुला सकती है, या ऐसे कि भाई आ जाइए हम लोग अपन मिल करके इस चीज़ का देखें एक सॉल्यूशन आ रहा है या कुछ चीज़ें, तो उसमें पूरी जानकारी देनी चाहिए उनको, ताकि उनको समझ में आए कि, क्योंकि हम लोग एक्टिविस्ट जन लोग हैं, एक्टिविस्ट कर हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं उनको पुलिस को, पुलिस अभी जस्ट 4 दिन पहले ही पुलिस ने अपना एक ये मीटिंग की थी, उस मीटिंग में कहा गया था कि जनता पुलिस की मित्र है, ये चीज़ ये मैसेज दिया जाए, ऐसा मैसेज दिया जा रहा है। तो मतलब हम लोगों को, पुलिस को, हम लोगों के साथ मिल करके समझना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, जो गंदगी फैली हुई है समाज में, इतना एनक्रोचमेंट है, जैसे इन्होंने साफ साफ कहा कि अस्पताल के बाहर पूरी भीड़ लगी है, वहाँ एम्बुलेंस निकल नहीं सकती, वहाँ आना जाना नहीं हो सकता, तो उस जगह का अगर इन्होंने कोई कंप्लेंट करी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपके कंप्लेंट के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने जो पुलिस जिन्होंने इनको अरेस्ट किया, जिन्होंने इनके ऊपर FIR करी, क्या उसने वो वहाँ पर जो एनक्रोचमेंट है, जो वहाँ पर कहते हैं पार्किंग गलत ढंग से लगाई जा रही है, जहाँ अपने एम्बुलेंस नहीं जा पा रही, क्या उन्होंने उसको ठीक किया, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा उस चीज़ को? अगर उन्होंने ये नहीं समझा और फिर इनके ऊपर FIR करी, वो भी फर्ज
गलत तरीके से ये फर्जी इस प्रकार से नजर आती है। अगर करी होती, अगर ईमानदार होते पुलिस वाले, उन्होंने एफआईआर ईमानदारी से की होती तो उनकी ड्यूटी थी पहले एफआईआर दर्ज करते, एफआईआर दर्ज करने के बाद इनको नोटिस भेजते, नोटिस भेजने के बाद इनको बुला करके उनको पूछताछ करते, पूछताछ में अगर इनकी तरफ से सही जवाब दिए जाते तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होते तो इनको बोला जाता कि एफआईआर है आपके खिलाफ, नॉन वेलर वारंट है, आपको हम अरेस्ट करते, आप किसी को बुलाइए, अपना जो भी बेल वेल लेना है वो काम आप आगे का शुरू कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। आपको इन्होंने जो पुलिस वालों ने कब और कहां से कैसे उठाया, जैसे इन्होंने बोला कि किसी होटल में बैठे थे आप। मैं अपनी ड्यूटी से आया दोपहर में, शाम चाय पी रहा था। ड्यूटी जो बोल रहे हो आप, मैं सोसाइटी मैनेजमेंट का काम करता हूँ, सोसाइटी मैनेजमेंट पार्ट टाइम करता हूँ। तो वहाँ से ड्यूटी से आया मैं, होटल टिफनीस करके सैंटा क्रूज ईस्ट में, वहाँ पे मैं चाय पी रहा था। तो बाहर आया तो कोई डिटेक्शन वाले ऐसे, वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो डिटेक्शन वाले कोई आया, बोले आई हो अभिजीत, मैंने मैं अभिजीत हूँ। तो ये फोटो, उनके पास मोबाइल था उसमें मेरी फोटो थी, बोले ये आप हो क्या, हाँ ये मेरी फोटो है, तो बोले प्रूफ करो, प्रूफ करो। तो फिर मैंने बैग खोला, अपना आधार कार्ड निकाला, बोले ये है मेरा आधार कार्ड, बोले आपको पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा, बोले मैं नहीं आऊँगा पुलिस स्टेशन में, मुझे आप सेक्शन 41A की नोटिस दो तो मैं आऊँगा। बराबर, ये चीज़ आपने बोली। मैंने बोला सर, पोटे नाम का डिटेक्शन हवलदार था, पोटे करके जो वकोला पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ है, उसने कहा कि भाई तुम्हारे खिलाफ FIR है, हम तुमको अरेस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा FIR नहीं हुआ तो? उन्होंने कहा कि अगर FIR नहीं है तुम्हारे खिलाफ तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, मेरे खिलाफ कंप्लेंट करो। मैं बोला ठीक है, तब मैं आऊँगा। बराबर, ये भरोसा करके मैं वहाँ गया। नहीं तो 41A का जो नोटिस आपने बोला उनको बोला ना, तो उन्होंने उसके बारे में क्या बोला? कुछ नहीं, आपके खिलाफ FIR है, आपको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, लेकिन 41 का नोटिस आपने नहीं दिया, बिना नोटिस दिए आपने, मतलब अरेस्ट कर लिया। वो अकेले नहीं थे, जब वो बात किए थे अकेले, तो उसके बाद में 2-3 और आए आ गए, तो फिर मुझे घेर लिए, मुझे कहा कि गाड़ी में बैठो, मैं बोला गाड़ी में नहीं बैठूंगा। आपके साथ कोई था? कोई नहीं था, कोई नहीं था, अकेले थे। मैं बोला मैं पैदल चलूंगा आपके साथ, आपको चलना है चलिए, मैं पैदल गया पुलिस स्टेशन तक। बराबर, तो फिर वहाँ पर पुलिस स्टेशन में क्या क्या हुआ वहाँ पर? उन्होंने मुझे डिटेक्शन रूम में बिठा के रखा, 2:15 बजे से डिटेक्शन रूम में बिठा के रखा है मुझे। अच्छा, वहाँ पर कोई पूछता है? कुछ नहीं। क्या करता है? अभद्र भाषा में बात करने लगे डिटेक्शन के ऑफिसर वगैरह, क्या करता है, बहुत ये करता है, नाटक करता है, ऐसा करता है, दिस इज ऑल बुलशिट। हाँ, मतलब जो आपने ट्वीट किए थे, जो कंप्लेंट करी थी, उस चीज के बारे में उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की? कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ आरोप लगाने लगे, तुम कंप्लेंट कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे, इस टाइप की कोई बातें कर रहे हैं, इस टाइप की। तो वो बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, मतलब कंप्लेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको अटैक, उनके ऊपर अटैक आ रही, क्यों अटैक आ रही? उनको तो कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको तो कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई ना करने की अपेक्षा जो कंप्लेंट कर रहा है उसी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उसी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। फिर बाद में क्या होते, जो भी हुआ, फिर पेटिशन ग्रुप के लोग पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने वो एक ये दिया इनको, हम लोगों को 41 का ये दिया, ये कर लो, ये ले लो, साइन करो। मैं बोला क्या है ये, तो साइन किया, तो आपको नोटिस दिया, तो मैं जेब में रख लिया। फिर आधे पौने घंटे में आए, बोले ये नहीं, ये दे दो। फिर दूसरा उन्होंने लिया सेम, उसमें कुछ ऐड करके दिया ऐसा कहते हैं वो, फिर साइन लिया, फिर वो कॉपी मेरे पास है, वो कॉपी मेरे पास है ही नहीं। मतलब दो दो कॉपी किस तरीके से वहाँ पर थाने के अंदर किया गया, 41B का नोटिस दिया नहीं दिया वो भी मालूम नहीं है, और कोर्ट के अंदर जब आप लोगों को पेश किया गया था, आपको लाए गए थे संडे के दिन हॉलीडे कोर्ट, हाँ, तो कोर्ट में आपके सामने क्या हुआ? कोर्ट में हमारे सामने वो कह रहे हैं कि ऑफिसर ने क्या कहा, मैजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई 41A की नोटिस दिखाई है। किससे बोला? ऑफिसर से। ऑफिसर आयोग कौन थी मुझे पता नहीं है। हाँ। आयोग का नाम मेरे ख्याल से जो मुझे जानकारी है, मैं तो किसी को जानता नहीं वहाँ पे, लेकिन मैंने सुना है कि कोई धूरी करके ऑफिसर है, उनकी साइन है। अच्छा। लेकिन जो धूरी करके जो ऑफिसर थे, जो उनको गोविंद पांडे करके जो है उनकी साइन ले रहे थे, वो साइन करने को राजी नहीं थे, वो कह रहे ये झूठी, कैसे मैं साइन नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब वहाँ पर थाने में बिल्कुल थाने में सामने साफ साफ इनके सामने ही बोला जा रहा था। मतलब जो आईओ बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आईओ कोई बनने को तैयार नहीं हो रहा था, कह रहा था कि भाई ये झूठा केस है, मैं इसमें आईओ नहीं बनूंगा इस चीज के अंदर। जबरन उनकी साइन ली, गोविंद पांडे ने कहा कि मैं हूँ ना, तू क्यों डरता है, साइन कर ले। गोविंद पांडे ये कौन है? पीआई
PI जिन्होंने मुझे फोन किया था, जिन्होंने फोन किया, टू स्टार है, थ्री स्टार पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर है शायद वाकुला पुलिस स्टेशन में, क्राइम क्राइम लॉ एंड ऑर्डर की PI है, PI है पुलिस इंस्पेक्टर। अच्छा अच्छा, तो अभी कोर्ट के अंदर जब आपको पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने 141 का वो नहीं थे, धुरी जी नहीं थे वहाँ पे, कोई और ऑफिसर आया हुआ था। तो ठीक है, उन्होंने क्या बोला फिर उसमें? उसे कहा कि हमने उनको नोटिस दिया, तो मजिस्ट्रेट कहते कि आप 41A की नोटिस कहाँ है, नोटिस की कॉपी, उन्होंने ये 41B की बताई, तो मजिस्ट्रेट कह रहे कि दिस इज अ कंप्लायंस रिपोर्ट, ये गलत है, ये चीज वो नहीं है, ये वो चीज नहीं है। आई डोंट अप्रूव, आई डोंट अप्रूव विद इट। आपने जो कलम लगाया है ये कैसे लगाया, किस आधार पे लगाया है? बिल्कुल। फिर ये कहते कि हमको इनकी पुलिस कस्टडी चाहिए, क्यों? मजिस्ट्रेट ने पूछा, तो ये समाज के लिए घातक है, ये इनके इनके चलते कंप्लेन कोई आगे नहीं आ रहा है और ये समाज में दहशत फैला रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको दहशत फैला रहा है इस टाइप का, जो आपने क्या दहशत फैलाने के लिए कौन सा काम किया? आपने ट्विटर पर कुछ कंप्लेंट की, कंप्लेंट किसकी की आपने? इलीगल एनक्रोचमेंट की कंप्लेंट कर रहा हूँ, मतलब अपराधियों के खिलाफ। बिल्कुल। तो अपराधी लोग आपसे डर रहे, मतलब अपराधी लोग डर रहे तो वो तो अच्छी बात है, अपराधी लोग अगर डर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, अपराधी को तो डरना चाहिए ना, एक आम इंसान से, एक शरीफ इंसान से उनसे डरना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ आप कंप्लेंट देंगे तभी तो जाकर के मामला उठेगा ना इस चीज़ में। अच्छा, फिर ये सब चीज़ें हुई तो ये हुआ कोर्ट के अंदर, वो लोग अपना कुछ भी चीज़ वहाँ रख नहीं पाए, है ना, और उन्होंने PC मतलब पुलिस रिमांड मांगने की कोशिश की, मगर मजिस्ट्रेट ने थोड़ा समझदारी दिखाई, मजिस्ट्रेट को नज़र आया कि नहीं, वास्तव में एक गलत तरीके से इसको फंसाया जा रहा है, ये चीज़ उनको नज़र आ गई, इसी वजह से उन्होंने कहा कि इनको पुलिस कस्टडी नहीं दी जानी चाहिए, और उन्होंने थोड़ी पुलिस की लाज रखी। बिल्कुल सही मायने में होना ये चाहिए था कि पुलिस को सीधे डांट फटकार लगानी चाहिए थी, और वो पेपर पहले 41B का मांगना चाहिए था, और इनको इमीडिएट छोड़ देना चाहिए था, छुड़वा देना चाहिए था। ठीक है, चलिए, मजिस्ट्रेट ने वो चीज़ नहीं की, लेकिन मजिस्ट्रेट एक लाज रखी इनकी, लाज बोलेंगे तो उस चीज़ को कम से कम उनको पुलिस रिमांड पर नहीं भेजा, नहीं तो उन्हें समझ में आ गया था कि पुलिस रिमांड पर लेकर के इनके साथ कुछ गलत किया जाता है। तो फिर और क्या हुआ फिर उसके बाद? कुछ कोर्ट ने कहा था कि आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस, ये जो उन्होंने जो सेक्शन लगाए हैं, धाराएं लगाई है सेक्शन 384 और 506 की, मैं अप्रूव नहीं करता हूँ, इसको कैश कर दो आप। अब इलीगल आप किसी को कैसे डिटेन कर सकते हो अनलॉफुली पुलिस स्टेशन में? बुला के खुद बोला, बिल्कुल बोला है, देखिए कोर्ट ने खुद बोला इस चीज को। फिर और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो है उसका डायरेक्शन के जो है ये उसका सीधा कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट है, ये खुद उन्होंने बिल्कुल कहा है सर, बिल्कुल कहा है। ये सारी चीजें कोर्ट के अंदर हुई, बस उस दिन बेल नहीं हुई, फिर अभी आज आप बेल से बाहर निकले हो जो भी। और एक चीज़ और हमारे सामने आई है कि आपके फ़ोटो भी लगाए हैं उन्होंने, और कहा है कि क्या बोलते, जो जिनको भी आपके खिलाफ कंप्लेंट हो वो आकर के कंप्लेंट दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ चीज़ें भी इन्होंने करी है पुलिस वालों ने, ये पुलिस वाले हरासमेंट कर रहे हैं। इसका यहाँ पर ये चीज़ है कि ये पुलिस उनका एरिया है, उनका घर है, वो लोग अपने हिसाब से किसी को भी डरा करके, धमका करके, क्योंकि पुलिस के अंदर किसी ने भी कोई साइन किया उसको माना नहीं जाता कोर्ट में। कोर्ट अगर किसी ने मना कर दिया कि नहीं मेरा साइन नहीं है तो मान्य नहीं होता, लेकिन ये पुलिस उन लोगों को, गरीब लोगों को, किसी को भी पैसा खिला करके, किसी को भी कुछ भी करके खड़ा कर सकती है। बिल्कुल कर, और खड़ा करके इनके खिलाफ एक नया केस बना सकती है, या इस टाइप का कई काम कर सकती है। ये खेल इन लोगों का चलता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने खुद इनके खिलाफ जो किया है वो गलत किया है, ये चीज़ हमारे साथ ग्रुप के साथ हुई है, जिस मामले को हम लोग आगे तक ले जाएंगे। आप लोग, आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार। आपके घर वाले कभी कोई प्रेशर डालेगा? मेरे घर वाले नहीं सर, मैं मेरी अंतिम सांस तक ये पुलिस प्रशासन का जो ये जो गलत बर्ताव है, ये जो गलत व्यवहार है, उसके खिलाफ मैं लड़ते रहूँगा। PI गोविंद पांडे हैं, सीनियर PI सुनील नाटे हैं, वकोला पुलिस स्टेशन की सांताक्रूज डिवीजन के ACP है काले साहब, अगर उन्होंने अगर मेरे खिलाफ अगर ये जानबूझ के साजिश रची है मुझे हरास करने का, मुझे बदनाम करने का, मुझे समाज में बदनाम करने का, मुझे किसी गलत सलत केस में फंसाने का, तो मैं मरते दम तक उसका मैं सामना करते रहूँगा, उसका मैं विरोध करते रहूँगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हमें अच्छा लगा, मतलब इनका जो भी बातचीत सुन के, हम चाहेंगे इसमें सही इंसाफ मिले, और जो भी पुलिस वाले ने गलत किया है उसको हम लोग चाहेंगे कि उसके खिलाफ एक्शन हो इस चीज़ के ऊपर। और आगे जय हिंद।